ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का है, जो कि जिसमें मैं आपको प्रश्नावली 1.4, ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.4 जो है, इसके मैं क्वेश्चंस को मैं आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका देखिए प्रश्न संख्या 1 में यहाँ पर 10 गो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर बोला गया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा पता लगाएंगे कि यह जो दशमलव प्रसार जो है वह शांत है या अशांत आवृत्ति का है। अशांत मतलब अनवसानी आवृत्ति, ठीक है, जो कि मतलब उसके ऊपर जो बार लगाते थे ना, मतलब वह चलते रहता था चलते रहता था, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद दो नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। हम अब क्या करेंगे, इसमें दशमलव प्रसार को लिखेंगे जो क्या है, शांत है। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 में जो है उसी से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है जो कि इसमें 3 गो है। बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आएगा। उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वे भी इस चैनल के साथ जुड़ सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, इसको सबसे पहले 1 नंबर को बनाएंगे, फिर आगे हम लोग बनाएंगे। क्लास 10th गणित, ठीक है, प्रश्नावली 1.4, इसके प्रश्न संख्या 1, ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। शांत मतलब ये क्या होंगे कि वे कट जाएंगे, ठीक है, मतलब कि कट जाते हैं, वे शांत आवृत्ति के होते हैं। और अशांत आवृत्ति को जैसे हम लोग अनवसानी आवृत्ति कहते हैं, वे मतलब कि बार के रूप में आता है, जैसे कि हम बात करें जैसे कि बात करें 0.0909, ठीक है, तो मतलब कि 0909 क्या हो रहा है, आते जा रहा है, तो 0909 के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, बार लगा जाएंगे, 0.09 मतलब 0909 आते रहेगा, ठीक है, तो वह होगा अशांत आवृत्ति का होगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर एक बटे के रूप में दिया गया है और इसको बिना विभाजन किए बिना हम लोग बताएंगे कि ये शांत है कि अशांत है। अशांत मतलब अनवसानी आवृत्ति का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यदि शांत रहेगा तो उसमें कंडीशन क्या है, शांत रहेगा तो वे उसमें जो इसका सबसे पहले हम लोग नीचे वाला का बिना लंबी विभाजन किए बिना बोला गया है, इसलिए हम लोग आभाज गुणनखंड करेंगे नीचे वाला का। तो आभाज गुणनखंड जब इसका हम लोग करेंगे, यदि उसमें 2 रहेगा या फिर उसमें सिर्फ 5 रहेगा या फिर 2 और 5 रहेगा आभाज गुणनखंड में, तो वे क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा। और यदि उसमें 2 या फिर 2-5 के अलावा यदि दूसरा कुछ भी रहे तो वे अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है, मतलब अनवसानी आवृत्ति का होगा, ठीक है, अशांत मतलब अनवसानी आवृत्ति, क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 का 1 क्या है, 13/3125, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो नीचे वाला का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3125 है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपको अभाज्य गुणनखंड पता है, सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से करेंगे, फिर उससे बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इतना क्लियर है आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या था कि इसके इकाई अंक में, इकाई अंक ये वाला यहाँ पर 5 है, इकाई अंक में यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वे 2 से विभाजित होता था, ठीक है। अब 3 से यहाँ पर इकाई अंक में तो 5 है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या था कि संख्या को हम लोग जोड़ के देखेंगे कि वो 3 का पारा में है तो वे 3 से विभाजित होगा। चलिए यहाँ पर संख्या को जोड़ के देखते हैं, 5 और 2 कितना हुआ, 7, 7 और 1 कितना हुआ, 8, 8 और 3 कितना हुआ, 11। 3 का पारा में 11 है, नहीं है, मतलब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 5 से देखते हैं, तो देखिए 5 यहाँ इकाई अंक में कितना है, 0 या फिर 5, इकाई अंक में यदि 0 या फिर 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित होता है, ये 5 का विभाजिता का नियम है। तो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक में 5 है, मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले छोटी छोटी वाला पहाड़ा से ही इसको विभाजित करके देखना है, नहीं होगा तो फिर बड़े बड़े वाला लेंगे हम लोग, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसे विभाजित करते हैं, तो यहाँ 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, 31 यहाँ पर 5 6 30 लिए 1 बचेगा, 1 को इधर भेजे तो यहाँ कितना बना, 12 बना। अब 5 2 के कितना होगा, 10 होगा, यहाँ पर कितना बचा, 2 को इधर भेज दिया, 25 बन गया, अब 5 5 25, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये यहाँ पर 5 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, मतलब यदि अब 5 से यहाँ विभाजित हो रहा है तो अब नहीं कि 3 से विभाजित करेंगे हम लोग, 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 5 से विभाजित हो रहा है तो 5 से ही अभी विभाजित करना है, या फिर उससे बड़ा वाला लेना है, उससे छोटा नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए फिर यहाँ पर 5 से विभाजित हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ये वाला, 5 1 5 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ 12 बनेगा, 5 2 10 लेंगे, कितना बनेगा, 2 बचेगा इधर, 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ 25 बन गया, अब 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए 5 से विभाजित हो जा रहा है तो 5 2 10 हो गया, कितना बचा, 2 को इधर भेजे, 25 बना, ठीक है, तो 5 5 25 हो गया, ठीक। फिर यह 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 5 25, फिर हम 5 को करेंगे तो 5 1 5 मतलब वही आएगा, ठीक है, 1 का यहाँ पर गुना करेंगे तो उतना ही होता है। तो इतना आपको क्लियर है। यदि हम लोग यहाँ पर देखें
चलिए हम इधर लिखते हैं, ठीक है, 3125। तो 3125 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 × 5 आया। चलिए लिखते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, 5 को हो गया। तो मतलब कि ये हमारा आया, और मैंने आपको बता दिया था कि यदि 2 या फिर 5 रहे, या फिर सिर्फ 5 रहे या फिर सिर्फ 2 रहे, तो वह शांत आवृत्ति का होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि 3125 में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इतना है, केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। बस बन गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक बहुत ज़्यादा इजी है। अब चलिए हम लोग 1 का 2 बनाते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न है हमारा 17/8, यही रहा है ना, 17/8। चलिए 17/8 को हम लोग बनाते हैं 2 नंबर में, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 17/8, ठीक है। तो 8 का यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है 8 का। चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 × 4 = 8 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया हमारा 8 का आया 8 = 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है, 8 आ गया हमारा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं, स्पष्ट है कि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, इतना आपको बन गया, ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं, ये वाला भी 2 नंबर हमारा क्या हुआ था, शांत हुआ था ना, अब हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी धुंधला दिखाई देता है। चलिए देखिए 3 नंबर का हम लोग बनाते हैं, ठीक है, 3 नंबर हमारा क्या है, चलिए किताब से देख लेते हैं, 3 नंबर क्या है हमारा, 64/, ये वाला है ना, 64/455, ये हमारा 3 नंबर क्या है, 64/455, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे लिखते हैं, 64/455, ये हमारा था, ठीक है। चलिए तो नीचे वाला क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। देखिए 455 किससे विभाजित होगा, आप लोग बोल सकते हैं, अब 5 से होगा ना, ठीक है, तो चलिए 5 से हम लोग करेंगे, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, 5 × 5, ठीक है। अब 91 किसका पहाड़ में है, तो 7 का पहाड़ में आ जाता है, ठीक है, 7 × 13 = 13, 7 = 91, ऐसे भी बोल सकते हैं, 13 × 7 = 91, ठीक है। चलिए अब नहीं होगा विभाजित, ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो गया, विभाजित नहीं होगा, तो 455 = 5 × 7 × 13, यही हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए 5 है ये वाला, ठीक है, और 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी है, ठीक है, तो मतलब कि इसीलिए ये वाला क्या होगा, एक अशांत आवृत्ति का होगा, इसीलिए ये वाला क्या होगा, एक अशांत आवृत्ति होगा, इतना क्लियर है। यदि यहाँ पर 2 रहता और यहाँ पर 7 13 रहता तो भी ये अशांत आवृत्ति का होता, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए इसको हम लिखते हैं, स्पष्ट है कि 455 में 5 के अतिरिक्त, ठीक है, या फिर 5 के अलावा 7 और 13 है, ठीक है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, अशांत आवृत्ति, इसी को हम लोग अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं, ठीक है ना, अनवसानी आवृत्ति, तो अनवसानी आवृत्ति है, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ लिए? चलिए, यानी कि 2 और 5 के अलावा यदि कुछ भी रहे तो वे क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, 3 नंबर बन गया, अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर, ठीक है। देखिए तो 4 नंबर हमारा क्या है,
चार नंबर क्या है, चलिए किताब से देख लेते हैं, चार नंबर क्या है हमारा, 15/1600 यही ना है। चलिए इसको लिखते हैं 15/1600, ठीक है। तो लिखना है 15/1600 यही था, ठीक है। नीचे वाला 1600 क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए हम लोग 1600 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। देखिए ये 2 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, 800 × 2 = 1600 हो गया ना। अब फिर 2 से 400, फिर 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे तो फिर 50 हो गया, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग 2 से विभाजित करेंगे, फिर 2 से तो विभाजित नहीं होगा ये वाला, 3 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 25 हो गया, ठीक है, इसका विभाजित हो गया। चलिए तो यहाँ पर लिखना है 1600 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड इसका किए, तो अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड के रूप में ये वाला टूट गया। तो मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 2 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 हमारे क्या है, 2 है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद 5 कितना बार है, तो 2 बार है, ठीक। मतलब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा और कुछ है क्या गुणनखंड के रूप में, नहीं है। मतलब ये वाला क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। मतलब 2 या 5 या फिर सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5, तो वे क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है, एक शांत आवृत्ति का होगा। इतना क्लियर है। तो शांत आवृत्ति मतलब क्या, 2 या फिर 5 रहना चाहिए या फिर सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 5 होना चाहिए, तो वे क्या हो जाएगा, एक शांत आवृत्ति का हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है। स्पष्ट है कि 1600 में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। इसीलिए 15/1600 का 10 प्रसार क्या होगा, बोलिए, शांत है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसका हमारा 4 नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 5 नंबर का, ठीक है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो 5 नंबर प्रश्न बुक में देखिए क्या है हमारा, कि 29/443 ना, 29/343 है ना, 29/343। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, 29 कितना था, बोलिए, कितना नंबर का बोले थे हम, 5 नंबर का ना। तो 5 नंबर हमारा कितना था, 29/343 है, ठीक है। चलिए 343 जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 7 से हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए सच्चों के कितना होगा 28, और यहाँ पर कितना बचेगा, बोलिए, 28 लिए सच्चों के 6 बचेगा, ठीक है। तो 6 पर यहाँ आ जाएगा तो कितना बनेगा, 63 बन जाएगा। अब 7 नाम कितना होता है, 63, ठीक है, हो गया। फिर ये वाला 7 से कटेगा, 77 49, मतलब 343 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 7 × 7 × 7, यही वाला, 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 × 7 आया। तो चलिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब 7 × 7 × 7 आया, मतलब 2 और 5 के अलावा तो यहाँ पर 2 और 5 तो है ही नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, 7 है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये वाला क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, यानी कि अनवसानी आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो इधर ही लिख लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। चलिए 343 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या फिर स्पष्ट वाला भी लिख सकते हैं, स्पष्ट की, ठीक है, रूप में 7 है न कि 2 और 5, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे इसीलिए, ठीक है, थोड़ा सा अलग रूप में यहाँ पर लिखे हम, 29/343 का 10 प्रसार क्या होगा, एक अशांत आवृत्ति है,
क्लियर यहाँ तक, ठीक है। मतलब ये वाला, ये सब दोनों जो है ना, ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग लिखा थोड़ा सा कि 343 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 7 है, न कि 2 और 5। चलिए 5 को हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा इधर, ठीक है। 2 और 5 है तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 और 5 नहीं है, ठीक है, 9 की 2 और 5 है, ठीक है। तो 29/343 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, एक अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए 5 नंबर बन गया। या फिर आप लोग स्पष्ट वाला भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने इसके पहले मैंने जैसे लिखा था यहाँ पर कि स्पष्ट है कि ना, इसके प्रश्न मैंने लिखा था कि स्पष्ट है कि, जैसे कि यहाँ पर जितना है उतना का मैंने लिखा था, स्पष्ट है कि 5 के अतिरिक्त इसमें 7 और 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते थे कि स्पष्ट है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में 7 है, इसीलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट ये वाला जो है, ये वाला आप लोग अपने से लिख सकते हैं, हो गया। तो हमारा 5 नंबर बन गया। अब हम लोग 6 नंबर का बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग 6 नंबर बनाते हैं, ठीक। तो 6 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है, 6 नंबर प्रश्न, तो 6 नंबर प्रश्न है हमारा 23/2 है और 5/2 है। तो ये वाला तो आपको यहीं पर पता चल गया होगा, ये वाला क्या है, शांत आवृत्ति का है। किसे, चूंकि यहाँ पर दो हम लोग 3 बार गुना करेंगे ना, और 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, मतलब 2 और 5 है इसमें, तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा यदि कुछ रहता तो ये वाला क्या होता, अशांत होता, ठीक है, मतलब अनवसानी आवृत्ति का होता है। लेकिन यहाँ पर 2 और 5 है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर कितना है, 23/2 और 5/2, ठीक। तो हम लोग 6 नंबर प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है। कितना है, 23/2 और 5/2 इतना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार में लिख सकते हैं, 23/2, मतलब 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है, और 5 को 2 बार लिखेंगे, 5/2 है इसलिए 5 × 5, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग तो यहीं पर तो बन गया, ठीक है। तो चलिए इसका लिखते हैं यहीं पर आंसर, इससे यह स्पष्ट है कि 2/3, ठीक है, और 5/2 में 2 और 5 अभाज्य, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए 23/2 और 5/2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत आवृत्ति का होगा, आवृत्ति है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा 6 नंबर भी बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 7 नंबर, ठीक है। तो देखिए हमारा 7 नंबर क्या है, 129/2 है, 5/7 है और 7/5 है, मतलब यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है 5 बार, है ना, गुणनखंड के रूप में। तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, एक अशांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 7 नंबर को बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या था, इसको मैं यहाँ पर कॉपी में लिखता हूँ, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न हमारा है कि 129/2 और 5/7 और 7/5, ये वाला हमारा है, ठीक है। चलिए इसका देखिए यहाँ पर नीचे वाला देखिए कि 129 है ये वाला, 2/2, मतलब 2 को 2 बार लिखेंगे, 5 को 7 बार लिखेंगे, ठीक है। 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, 7 बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। उसके बाद 7 को 5 बार लिखना है ना, चलिए लिखते हैं 7 को 5 बार, मतलब 7 × 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है, 5 बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 7 को 5 बार लिख दिया। अब देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर देखें तो इसमें ये वाला स्पष्ट है कि 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी है, ठीक है, इसीलिए ये वाला एक क्या होगा, एक अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि 2 और 5 के अलावा 7 है, ठीक है, इसीलिए 129/2 × 5/7 × 7/5 का दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, अशांत आवृत्ति है। तो यहां से 7 नंबर बन गया इसका, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे 8 नंबर। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्या है, 6/15, ये वाला है 6/15,
अच्छा जहां पर कटेगा तो काट भी सकते हैं, नहीं कभी काट सकते तो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं 8 नंबर का। तो देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न हमारे क्या है, 6/15, ठीक। जहां पर कटेगा ना संख्या उसे हम लोग पहले काट लेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर तो 6/15 जो है इसे जब हम लोग काटेंगे, चलिए यहां पर काटते हैं, ठीक है। 6/15 लिखेंगे, 3 से कट जा रहा है ना, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, मतलब कितना आया, 2/5 आया, ठीक है। इसमें जो हर में क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति का हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, इसमें हर में 5 है, ठीक है, इसीलिए इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार एक शांत आवृत्ति है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका 8 नंबर बन गया। अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर कितना है, 35/50, यही वाला है। चले हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है। 9 नंबर कितना है, 35/50। चलिए हम लोग 50 का ये वाला कट रहा है ना, पहले हम लोग काट लेंगे, ठीक है, काट लेना है, उचित है काट लेना। यहाँ पर देखिए 35/50 जो है ये कट जा रहा है, चलिए हम लोग काट देते हैं पहले। तो 5 से काट देंगे, 5 × 7 = 35 और 5 × 10 = 50, है ना। अब नहीं कटेगा तो मतलब कितना आया, 7/10, 7/10 कितना आया, 10 आया, ठीक है। चलिए हम लोग लिखते हैं 7/10। अब देखिए जो यहाँ जो 10 जो है, 10 का अब अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, चूंकि ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 10 का कितना आया हमारा, 2 × 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग लिख सकते हैं ये वाला क्या हो जाएगा, 2 × 5 आया, मतलब 2 और 5 आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा दशमलव प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्ट है कि 10 में, ठीक है, 10 के अभाज्य गुणनखंड में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, ठीक है। इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार एक शांत आवृत्ति है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे 10 नंबर प्रश्न, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं 10 नंबर प्रश्न को। अब हम लोग इसके 10 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारे क्या है कि यहां पर देखिए 77/210, ये वाला है ना, 77/210, ठीक है। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है। यहां पर ये वाला कट रहा है तो ये वाला भी हम लोग काट लेंगे। 77 बटे कितना बोले थे, 210, ठीक है। तो ये वाला कट रहा है तो चलिए हम लोग इसे काट लेते हैं पहले, 77/210, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए 77/210 ये वाला है, यहाँ देखें यहाँ पर कट रहा है ना, 7 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं, 7 × 7, 7 × 7 कट गया 11 बार में, फिर 7 × 21 कट गया, ये वाला 0 उतरा, 0 को यहाँ उतार देंगे, ठीक है। तो मेरा कितना आया, 11/30, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो रहने देंगे। अब यहाँ जो 30 जो है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो 30 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कट रहा है, 2 × 15 = 30, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15। तो जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 30 का कितना आया, 2 × 3 × 5। यहाँ पर देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी है, मतलब ये वाला एक क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक अशांत आवृत्ति हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, स्पष्ट है कि 30 में, ठीक है, 30 के अभाज्य गुणनखंड में, 30 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 है, ठीक है। इसीलिए जो 77/210 जो है, 77/210 10 नंबर है, 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, बोलिए, एक अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है, अशांत आवृत्ति है। तो बस इस प्रकार से ये वाला हमारा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नंबर बन गया। अब हमारा जो ये वाला जो है, मैंने पूरी प्रश्न आपको मैंने सभी कुछ मैंने बता दिया, ठीक है, 10 नंबर बन गया। अब मैं बताऊंगा आपको मैं 2 नंबर प्रश्न। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमारा इसमें जो जो शांत हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा संख्या शांत हुआ था, ठीक है।
एक नंबर हमारा क्या था, ये वाला जब हम लोग बनाए थे तो यहाँ पर शांत आया था कि नहीं शांत, ठीक है। उसके बाद शांत कौन सा था, तो यहाँ पर देखिए बी नंबर भी, यानी कि 17/8 ये वाला भी हमारा क्या था, शांत था, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीन नंबर देखे, तीन नंबर हमारा अनवसानी आवृत्ति आ गया था, क्योंकि यहाँ पर इसका जब आभाज गुणांकन किए थे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 5×7×13 आया था इसका, ठीक है, 455 का। तो मतलब ये वाला यहाँ पर क्या था, एक अशांत था, ठीक है। अब हम लोग चार नंबर का देखें, तो चार नंबर हमारा क्या था, एक शांत आवृत्ति का था, ठीक है। उसका तो पांच नंबर क्या था, आप लोग देख सकते हैं अपने कॉपी में, तो ये वाला अशांत था, ठीक है। चलिए छह नंबर का देखेंगे, तो छह नंबर हमारा क्या है, एक शांत आवृत्ति का था, ठीक है, चूंकि 2×3 और 5×2 है, मतलब ये वाला शांत आवृत्ति का है। अब हम लोग यहाँ पर सात नंबर, तो इसमें देखिए 2 और 5 उसके अलावा 7 है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, एक अशांत आवृत्ति है। चलिए अशांत वाला को नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए 6/15, तो यहाँ पर इसको काट दिया था हम लोग ना, काट करके कितना आया था यहाँ पर, इसको जब हमने काट दिया था तो यहाँ पर आया था हमारा कि यह 3 से कट जाए, 3×2 = 6 और 3×5 = 15, तो नीचे 5 आया था, मतलब ये वाला हमारा क्या था, एक शांत आवृत्ति का था, ठीक है। और ये वाला 35/50, तो 35/50 ये वाला क्या था कि जिसको हमने काटा था 5×7 = 35 और 5×10 = 50, तो यहाँ पर देखिए 5×10 = 50, मतलब कि 2×5 ना, 2×5 आया था, मतलब कितना आया था, 5×2 = 50, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए 2×5 आया था, ये वाला का 2×5 आया था, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी, यहाँ पर देखिए कॉपी, देखिए 35/50 जो है 7/10 आया था काट करके, तो 10 का जब निकाला 2×5 आया था, मतलब ये आभाज गुणनखंड 2 और 5 है इसमें, मतलब ये वाला क्या था, शांत था, ठीक है। तो 9 नंबर भी हमारा क्या था, एक शांत था, क्लियर है। अब 10 नंबर का बात करें, 10 नंबर हमारा क्या था, एक अशांत आवृत्ति का था, ठीक है। जब हमने इसे काटा था तो यहाँ पर कितना, 3 से काट दिए थे, तो 7 से काट दिए थे इसे, तो 7×11 में कट गया था, और 7×3 = 21, मतलब 30 बार में कट गया था, ठीक है। तो 30 का आभाज गुणनखंड किए थे, तो हमारा ये वाला क्या था कि इसमें, चलिए इधर भी बनाए थे हम लोग, ठीक है। तो 30 का आभाज गुणनखंड किए थे, तो यहाँ पर 2×3×5 आया था, मतलब 2 और 5 के अलावा 3 था, मतलब ये वाला क्या था, एक अशांत आवृत्ति का था। तो शांत हमारा कौन सा हो गया, 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, और उसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर, ये वाला हमारा शांत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पर बनाएंगे। 2 नंबर प्रश्न में यही वाला कहा गया है कि इसके हमें क्या लिखना है, इसके हमें लिखना है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो शांत है, तो जो वाला शांत है उसके हम लोग दशमलव प्रसार को लिखेंगे, ठीक है। दशमलव प्रसार निकालने का यहाँ पर एक ट्रिक है, चलिए मैं आपको मैं बताता हूँ। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। देखिए 1 नंबर का सभी बन गया, अब 2 नंबर को हम लोग बनाने वाले हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 नंबर, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, ठीक है। जो शांत है उसके हम लोग दशमलव प्रसार को लिखने वाले हैं। तो हमारे 1 नंबर भी क्या था, हमारा शांत था, ठीक है ना। तो मतलब कि 13/3125 ये वाला था हमारा 1 नंबर। चलिए तो इसमें क्या करना है, देखिए जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार निकालने का एक एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यहाँ पर क्या बोले, एकदम बहुत बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। चलिए हम लोग उस विधि से हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने 3125 जो है इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था, तो यहाँ पर अभाज गुणनखंड करने से आपको क्या आया था, 1 नंबर में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि इसका जब अभाज गुणनखंड किया था तो वहाँ क्या आया। तो चलिए यहाँ पर कॉपी में आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हमने जब इसका जब अभाज गुणनखंड किए थे, तो हमारा जो 5 जो है ना, वे हमारा 5 बार आया था, ठीक है। तो इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं कि यहाँ पर 5 कितना बार आया है या फिर 2 कितना बार आया है। तो कोई भी जब ये शांत होगा तो उसमें 2 और 5 ही आएगा, आया होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में कितना था, 5×5 था, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर 5×5 आया था, ठीक है। तो मतलब कि ये वाला को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 13/5×5 लिख सकते हैं, 5×5×5×5×5, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतना ईजी है ये वाला। देखिए तो इस प्रकार से 3125 जो है इसको हमने 5×5 के रूप में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें नीचे में ना 10 बनाना है। 10 किस लिए बनाएंगे, क्योंकि 10^10 में लेंगे तो ऊपर में जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार उतना हम लोग अंक छोड़ करके बैठा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको 10 बनाएंगे। तो यहाँ पर जो इसको 5×5 है, तो हमको 5×10 बनाना है, ठीक है। तो 5×10 बनाने के लिए हम लोग 2 से 5 बार गुना कर देंगे, ठीक है। मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2×2×2×2×2
क्लियर है यहाँ पर, मतलब देखिए दो को पांच से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर पांच गो पांच है तो इसीलिए मैंने पांच गो 2 लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि नीचे हमने जब इतना सारा संख्या लिखा तो हमें ऊपर भी ये वाला संख्या गुना करना होगा, इतना तो आपको पता है, तो मतलब कि 2 को फिर यहाँ पर 5 से गुना कर देना, सॉरी 2 जो है 5 बार लिखे हैं तो ऊपर भी 2 को 5 बार गुना करके लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये वाला हमने लिखा, आपको समझ में आ रहा है ना। 3125 जो है इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो 5 हमारा 5 बार आया था, इसीलिए हमने 5 को 5 बार लिखा। अब हमें 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए 5 को 5 है इसलिए हमने 5 को 2 कर दिया, तो एक एक करके मिल मिल के 10 बना लेगा, ठीक है। अब नीचे हमने 5 को 2 लिखा तो ऊपर भी हमें 5 को 2 लिखना होगा, इतना ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, क्लियर है। यदि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में 2 रहता तो हम लोग 5 के गुना करते, नीचे 5 लिखते तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ता, समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखें, तो इतना जब हमारा हो गया तो अब हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चलिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, गुना कर देना है, इसको 10 के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला 13 है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, ठीक है। अब 32 को क्या करना है, 13 से गुना कर देना है, ठीक है ना। तो 32 को जब हम लोग 13 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 416, ठीक है। चलिए 32 जो है उसको हमें क्या करना है, 13 से गुना करना है, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। 2 एकम 2 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 6 बचा और इधर 11 बचा 4, 416 आया, तो हमने लिखा 416, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पर देखिए, तो ये वाला इनके साथ मिल करके क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, फिर इनके साथ मिल करके क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 5 बार 10 होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 को 5 है, 5 को 2 है, एक एक करके मिल मिलकर 10 बना लेगा, 5 दुनी 10 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 5 दुनी 10, इस प्रकार से बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये वाला ना बहुत ज़्यादा इजी हो गया, देखिए तो यहाँ पर 416 जो है, अब इनको जब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, ये वाला आएगा 10 के घात कितना आएगा बोलिए, 10 के घात 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 10 के घात 5 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 10 के घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10 के घात 5, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 को 0 आएगा, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते थे, 416 जो है उसको 5 को 0 यहाँ पर लगा सकते थे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे तो ये वाला 0 सब एक जगह आ जाएगा, 1 2 3 4 5 0, है ना। तो इसी को हमने लिखा है 416/10^5 लिखा है, क्लियर है। यहाँ तक आप समझ लें तो सोचिए आपका बन गया, ठीक है। देखिए अब देखिए 10^5 है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग इधर से इकाई अंक से जाते हुए 10^5 है ना, तो 5 गो संख्या छोड़ करके हमें पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 5 गो संख्या हम लोग कैसे करके छोड़ेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 416 है, ठीक है। अब 5 गो संख्या छोड़ना है हमें, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 तो होगा, 4 संख्या 5 संख्या, ठीक है। इधर 0 हम लोग लगा, संख्या के पहले हम लोग 0 जितना भी चाहिए उतना लगा सकते हैं, ठीक है, संख्या के बाद नहीं लगा सकते, इतना ध्यान रखिएगा। तो संख्या के पहले 0 लगाएंगे तो भी ये 416 ही होगा, पहले भी 416 था, 0 भी लगा दे तो भी ये 416 ही होगा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर क्या, 10^5, तो 5 गो संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, 5 संख्या के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो इस पॉइंट के पहले हम लोग 0 लगा भी सकते हैं, चलिए 0 लगा देते हैं, तो मतलब कि 0.00416 आ जाएगा हमारा, कितना ईजी है बोलिए, 0.00416, यही क्या हुआ भाई, यही हो गया हमारा, देखिए दशमलव प्रसार बन गया। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता था, ऊपर दिए गए प्रश्न के उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जिसका जो शांत है, तो शांत जो वाला था उसका दशमलव प्रसार, ये वाला हमारा क्या हो गया, एकदम आंसर, समझ में आया आपको, बना लेंगे, इजी है, ठीक है। चलिए अब मैं 2 नंबर को आपको, 2 नंबर हमारा शांत था क्या, किताब में मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर हमारा क्या था, शांत था, चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को लिखते हैं, यहाँ तक तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए तो 2 नंबर में हमारा क्या था, शांत था, मतलब यहाँ पर 17/8, ये वाला भी हमारा क्या था, एक शांत आवृत्ति का था दशमलव प्रसार, ठीक है। तो इसके हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है, ठीक है, ये शांत आवृत्ति का था, तो चलिए इसे हम लोग दशमलव प्रसार को लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी है, यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए अपने कॉपी में, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न को देखिए, 2 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 17/8, यही वाला था ना, 2 नंबर प्रश्न 17/8। तो यहाँ पर देखिए जो 8 जो है उसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो कितना आया था, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, 17/8 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तभी, सॉरी 8 का जब अभाज्य गुणनखंड किया था 2 गुना 2 गुना 2 आया था, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर, कि 17 लिखेंगे बटे देंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, मतलब कि 3 बार 2 आया था, है ना। अब हमें क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो मतलब कि 3 बार 5 से गुना कर देना है,
क्लियर यहाँ पर। तो मतलब कि पांच गुना है, पांच गुना है पांच, ठीक है, तीन बार हमने पांच से गुना कर दिया तो ये दस 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 करके तीन को दस बना लेगा। अब नीचे हमने पांच पांच से गुना किया तो ऊपर भी हमें पांच से तीन बार गुना कर देना होगा, पांच गुने पांच गुने पांच, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आठ का दो 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 करके तीन बार आया था तो हमें दस बनाना है तो पांच को हमें तीन बार लिख देना है, ठीक है। नीचे पांच हमें तीन बार लिखा तो ऊपर भी पांच तीन बार लिख देना है गुना करके, क्लियर है। अब देखिये यहां पर देखिए ध्यान से कि ये वाला अब हमें क्या करना है, ऊपर तो गुना कर देना है, इतना तो आपको क्लियर है। तो यहां पर चलिए गुना कीजिए इसको, ठीक है। पचे पच्चीस हो गया, पच्चीस पचे कितना होता है 125 ना। अब 125 को हम 17 से गुना करेंगे तो 125 को 17 से गुना कर दीजिए यहां पर, ठीक है। तो 125 जो है उसको हमें 17 से गुना कर देना है, ठीक है। तो पांच सत्तर कितना हो जाएगा 35, हाथ में बचेगा मतलब तीन हुआ, पांच सात दूनी 14 17 हो जाएगा, ठीक है। सात एकम सात और एक हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 5 2 1, तो इधर हो जाएगा 5 12 11 1, मतलब कितना आया, एक नहीं दो हो जाएगा ना, इधर एक बचा दो हो जाएगा, ठीक है। तो 2125, तो कितना आया हमारा 2125, ठीक है। अब नीचे हम 10 10 करके लिखेंगे तो मतलब कि इसको इससे इसको इससे इसको इससे गुना कर देंगे 10 10 10 10 10, ठीक है, तीन बार 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 गुना 10 गुना 10 ये वाला होगा। चलिए अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 2125 जो है उसका 10 के घात हम लोग कितना लिख सकते हैं, बोलिए, 10 के घात हम लोग 3 लिख सकते हैं या फिर 1000 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो 3 को 0 3 को 0 एक साथ लगा देंगे इधर तो 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें से संख्या में कितना 0 3 0, तो 3 को संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 10 के खाते में लिखते हैं, सब जगह 10 के घात लिखे तो इसमें 10 के घात लिखेंगे, तो इसमें 10 के घात कितना हो जाएगा, बोलिए 3 हो जाएगा, 10 के घात 3 है, मतलब 3 अंक के बाद इधर इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 3 अंक के बाद क्या लगाना है, एक पॉइंट लगा देना है। चलिए यहाँ पर आंसर बन गया, चलिए यहाँ पर 3 गो के बाद पॉइंट, यानी कि 2 5 और 1 इनके बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा, ठीक है, 2.125, ठीक है। चलिए ये वाला हमारा क्या हो गया, बोलिए, यही वाला हमारा हो गया इसका दशमलव प्रसार के रूप में, ये वाला हमारा हो गया इसका आंसर, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देखिए इसका जो शांत कौन सा था, अब शांत का बात करें हम लोग तो यहाँ पर इसका 4 नंबर भी हमारा शांत था, है ना। चलिए 4 नंबर को हम लोग बनाते हैं इधर, तो 4 नंबर हमारा क्या था, शांत था, ठीक है। तो मतलब कि 15/1600 ये वाला हमारा क्या था कि शांत आवृत्ति था, ठीक है। तो चलिए 1600 आपको मैं कॉपी दिखाना चाहता हूँ इधर, ठीक है, देखिए 1600 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था तो हमारा 2 और 5 आया था, ठीक है। देखिए 2 कितना बार में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, मतलब 6 बार हमारा क्या है, 2 है, है ना। और 5 हमारा कितना है, 2 बार, तो इसको 6 बार करने के लिए 4 बार 5 गुना करना होगा, तब हमारा 10 10 बनेगा, समझ में आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, अब हमें 5 को 2 करना, 5 जो है वे भी हमें 6 बार करना है, तो यहाँ पर 4 बार 5 को गुना कर देना होगा, ठीक है। चलिए क्लियर, यहाँ पर नीचे 4 बार 5 को गुना करें तो ऊपर भी 4 बार 5 को गुना कर देना होगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, 15/1600 लिखना है, 1600 का जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया था आपको मैंने बताया था, तो यहाँ पर कितना आया था, 6 बार 2 आया था ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 बार हो गया। अब 5 कितना बार आया था, तो 2 बार आया था, ठीक है। अब देखिए हमें तो 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए तो 5 यहाँ पर 2 ही गो है, ठीक है, तो और हमें 4 गो 5 की आवश्यकता है, तब यहाँ पर 6 गो 5 हो जाएगा, इधर 6 गो 2 हो जाएगा, 10 10 करके 10 के घात 6 बना लेगा, क्लियर है यहाँ पर। तो हमें कितना गो 5 की और आवश्यकता है, बोलिए 4 गो, तो यानी कि 1 2 3 4, 4 गो 5 हमने नीचे लिखा, 4 गो 5 हमने यहां से यहां तक लिखा है ना, 4 गो 5 हमने नीचे लिखा, तो 4 गो 5 ऊपर भी गुना करना होगा, ये नियम कहता है नीचे जितना से गुना करेंगे उतना ऊपर से गुना करेंगे, ठीक है। तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, क्लियर, 4 गो 5 से हमने ऊपर भी गुना कर दिया, ऊपर वाला को जस का तस गुना करके लिख देना है, इसमें तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, 15, ठीक है। अब ये देखिए 25 25 हो गया, 25 25 25 25 कितना हो जाएगा, 25 25 125, ठीक है ना। अब 125 को फिर 5 से गुना कीजिए तो 125 125 5 625, ठीक है, गुना कर दीजिए भाई, ठीक है। तो कितना आएगा, 625। अब 625 को 15 से गुना कर देना है, या 15 है तो 625 को 15 से जब गुना करेंगे तो हमारा आएगा 9375, ठीक है, गुना करके देख लीजिए इतना आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 6 गो 2 है और 6 गो 5 है, मतलब 10 के घात 6, ठीक है, तो 10 के घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हमें 10 के घात 6 लिखा, मतलब 6 गो अंक छोड़ करके पॉइंट लगाना है, ठीक है। चलिए 6 गो अंक किस प्रकार से छोड़ेंगे, जरा हमारे 9 है 3 है 7 है 5 है, ठीक है, 6 गो अंक, इधर तो 4 गो अंक हुआ और 2 गो अंक, मतलब 2 गो अंक 0 लगाना होगा, फिर इधर पॉइंट लगाना होगा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए 5 को भी इधर घेरिए, ठीक है, तो हमारे 6 गो के बाद इधर पॉइंट लगाना, मतलब 1 संख्या 2 संख्या 3
एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, छह अंक, मतलब इधर दो को जीरो बैठाना होगा, मतलब दो को जीरो इधर बैठा देंगे, फिर नौ तीन सात पांच लिखेंगे, ठीक है। और क्या करना है, पॉइंट यहां लगा देना, मतलब 0.00935 ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो चार नंबर है, ये वाला भी चार नंबर शांत था, इसका दशमलव प्रसार हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको किताब दिखाता हूँ, सबसे पहले इसके बाद कौन सा हमारा शांत था। तो शांत हमारा देखिए छह नंबर हमारा शांत था, है ना। छह नंबर में तो दिया गया है दो के घर तीन और पांच के घर दो, मतलब दो के घर तीन है, मतलब दो हमारा तीन बार है और पांच हमारा दो बार है, मतलब पांच और एक बार लिखना होगा, तब तीन बार पांच हो जाएगा। फिर नीचे पांच से गुना कर देंगे तो ऊपर भी पांच से गुना कर देंगे, आपके दिमाग में तो छप गया, अब सब कुछ अब बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो अब हमारा है छह नंबर भी हमारा क्या है, एक शांत आवृत्ति का है, ठीक है। चार नंबर शांत था, ठीक है, अब छह नंबर शांत है। चलिए छह नंबर को लिखते हैं। तो तेईस बटे दो के घर तीन और पांच के घर दो, ठीक है, इतना है हमारा। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए छह नंबर मैंने जो बनाया था वहां पर, चलिए आपको मैं दिखाता हूं यहां पर कॉपी, रुकिए थोड़ा सा। चलिए इधर देखिए, तो छह नंबर जो मैंने जो आपको मैंने बताया था, तो इसमें देखिए यहां पर इसके जो हमने तोड़ दिया था, दो को हमने तीन बार लिखा था, पांच को दो बार लिखा था, पांच की आवश्यकता एक बार है, तो ये दस दस करके बनेगा, इतना आपको क्लियर है। चलिए देखिए छह नंबर बनाते हैं। देखिए तेईस लिखेंगे बटे दो के घर तीन, मतलब दो गुना दो गुना दो और पांच के घर दो, मतलब पांच को दो बार, पांच गुना पांच, ठीक है। अब देखिए यहां पर 10 10 बनाने के लिए दो को तो तीन दो हमारे तीन बार है, पांच भी तो तीन बार करना होगा, मतलब और एक बार हमें पांच लिखना होगा, ठीक है। नीचे पांच लिखे तो ऊपर भी एगो पांच से गुना कर देना होगा, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखें, तो यहां पर चलिए हम लोग लिखते हैं, ये तो हमारा दस का घात तीन हो जाएगा इधर, और तेईस पंचे कितना होता है, तेईस को पांच से गुना करके देख लीजिए, हमारा होगा 115, ठीक है। अब यहां पर कितना हो जाएगा, दस के घात तीन हो जाएगा, दस के घात तीन, मतलब तीन को अंक छोड़ करके, हमें तीन को अंक छोड़ करके दशमलव लगा देना है, मतलब एक अंक, दो अंक, तीन अंक, तीन अंक छोड़ेंगे इधर दशमलव लग जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.115, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो शांत था कौन सा था, चलिए किताब में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारा शांत जो है ये वाला था ना, ये वाला आठ नंबर, आठ नंबर छह बटे पंद्रह, ये वाला हमारा क्या था, शांत था। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए इस पट्टी बनाते हैं, इस पट्टी तो बना दी है, लिख दिया बहुत सारा, ठीक है। चलिए इधर बनाना होगा आठ नंबर, आठ नंबर हमारा क्या है बोलिए, छह बटे पंद्रह, इसको सबसे पहले तो काट देना है, छह बटे पंद्रह कटेगा, तीन दूनी के छह, तीन पचे पंद्रह, तो मतलब कितना आया, दो बटे पांच ना, दो बटे पांच। अच्छा भाई यहां पर देखिए दो बटे पांच आया हमारा, कितना आया, दो बटे पांच आया, ठीक है। इसे हमें दस बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए दो बटे पांच जो है, ठीक है, इसे हमें दस बनाना, नीचे तो नीचे दो से गुना कर देना होगा, ठीक, नीचे दो से गुना करेंगे तो ऊपर भी दो से गुना कर देना होगा, ठीक है। तो इधर दो दुनी चार हो जाएगा, पांच दुनी दस हो जाएगा, ठीक है। मतलब दस के घात एक, ऐसे भी तो हम लोग समझ सकते हैं, दस के घात एक, दस के घात कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग, तो मतलब ये वाला इधर कितना हो जाएगा बोलिए, 0.4 हो जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा कौन सा शांत था, तो इसका नौ नंबर जो है वह हमारा शांत था, ठीक है। चलिए नौ नंबर देखिए, और नौ नंबर ये वाला, ठीक है, 35 बटे 50, इसको सबसे पहले काट देंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए अब हम लोग नौ नंबर को बना लेते हैं, तो नौ नंबर हमारा शांत था, इसको अब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलिए देखिए 35 बटे 50 जो है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ये वाला कट रहा है ना, 35 बटे 50, ठीक है, तो ये वाला देखिए कट रहा है हमारा, पाँच से कट रहा है ना, पाँच सत्तर 35 और पाँच दहा 50, ठीक है। तो कितना आया हमारा, 7/10, कितना आया, 7/10 आया, 7/10। अब हमें देखिए नीचे वाला तो 10 है, मतलब यहाँ पर तो कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। नीचे हमारा 10 आ गया है, मतलब 10 के घात कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 10 के घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक होगा, तो मतलब कि इसका एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा बोलिए, 0.7, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे तीन नंबर प्रश्न को, ठीक है। देखिए तीन नंबर प्रश्न, ये वाला थोड़ा सा लंबा है लेकिन आंसर एकदम छोटा छोटा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है इनके आंसर, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए प्रश्न को पढ़ता हूं। देखिए यहां पर देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, वास्तविक संख्या है जिनका दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है, ठीक है। देखिए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, हम लोग देखेंगे कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाय क्यू के रूप में रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये वाला आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जो वीडियो तो नहीं देखा है ना, तो भी आप लोग क्या क्या करना है, क्लास टेंथ जो मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट जो हमारा है कक्षा 10 गणित का, क्लास टेंथ मैथ का, तो उसी में आपको मेरा ये वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दिया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि परिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं। जैसे पी वाई क्यू के रूप में ले सकते हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, शांत आवृत्ति का जो होगा वह भी हमारा परिमेय संख्या होगा, और अशांत आवृत्ति मतलब अशांत आवृत्ति का जो होगा, अशांत आवृत्ति मतलब अनवसानी आवृत्ति का, ठीक है, तो अनवसानी आवृत्ति का जो होगा वह भी हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन अनवसानी अनावृत्ति, तो अनवसानी अनावृत्ति ये हमारा परिमेय संख्या कदापि नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं ये वाला, तो ये वाला हमारे क्या एक शांत आवृत्ति है। शांत आवृत्ति किस लिए, चुकी है किस समय के, किसी समय के बाद कट गया है, अब उनके बाद जीरो आ गया उसके शेषफल में, अब वे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब वे शेषफल जीरो आ गया, अब नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, एक शांत आवृत्ति का है। तो शांत आवृत्ति जो होगा वे हमारा क्या होगा, बोलिए बोलिए, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये वाला देखिए पहले, ठीक है, ये वाला अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति मतलब अनवसानी आवृत्ति, मतलब ये कुछ समय के बाद यहाँ पर देखिए यही वाला संख्या रिपीट होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो आया है ना, तो यही वाला फिर से संख्या रिपीट होगा, मतलब इसके बार लगा, मतलब यही वाला संख्या फिर से रिपीट होगा। जैसे मैंने आपको मैंने पहले बताया था, जैसे कि भाग करने के बाद, जैसे कि किसी भी संख्या को भाग करने, चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको भी देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए हमने लिखा है 10/9 लिखता है, ठीक है, देखिए तो 9 से क्या करना है, 10 को भाग करना है, तो 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी, एक बचेगा पॉइंट, एक करके 0 बैठाना, फिर 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर एक बैठा, फिर मतलब 0, फिर एक एक, मतलब एक 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 क्या हो रहा है, आते जा रहे हैं, मतलब इसे 1.1 के बार में लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक एक करके क्या होगा, आते रहेगा, पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये अनवसानी आवृत्ति है जो कि इसी संख्या बार 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 आते रह रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक आया, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक आते रहेगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी आवृत्ति कहते हैं। तो अनवसानी आवृत्ति जो होता है इसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कैसे करके लिख सकते हैं, तो ये वाला भी हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये वाला क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन ये वाला क्या, अनवसानी अनावृत्ति है, मतलब इसको हम लोग पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.120 है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 1200, फिर 1200, फिर 124 बार 0, 5 बार 0 ना, यहाँ पर कितना, 3 बार 0, फिर 4 बार 0, फिर 1 2 5 बार 0, फिर 6 बार 0, 7 बार 0, ये मतलब आते रहेगा ऐसे करके, मतलब ये वाला कभी भी संख्या रिपीट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब मैं आपको मैं इसका आंसर को मैं बताता हूं। ये वाला प्रश्न लंबा है तो ये वाला प्रश्न मैं कॉपी में ही रहने देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 3 नंबर का, ठीक है, पन्ना को इधर मोड़ लेते हैं, यहीं पर बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए चलिए 3 नंबर का 1 नंबर तो देखिए। ठीक है, 3 नंबर का 1 प्रश्न यहीं पर है। ठीक है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए 3 नंबर का 1, 3 नंबर का 1 कितना है, ये वाला हमारा 43.12345678 9, ये वाला हमारा है, मतलब इनके बाद ये वाला कट गया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या होगा, आप लोग अब बोल सकते हैं ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वाला क्या, शांत आवृत्ति का जो होता है वह क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, मतलब ये वाला क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है, ध्यान कीजिए कि यह परिमेय है, परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये वाला क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, यहां पर लिख देंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या मतलब इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या तो है यहां पर, उसके बाद देखिए क्या बोला गया, पी बाई क्यू के रूप में रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं, तो यदि ये पी बाई क्यू के रूप में है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। ठीक है, क्या होगा, चूंकि यह शांत आवृत्ति का है तो शांत आवृत्ति का होगा, मतलब यहां पर 2 और 5 भी होगा। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, क्योंकि शांत आवृत्ति है, तो शांत आवृत्ति में हमको पता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही होगा इसका। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्यू के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, ठीक है, या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, होंगे लिख देते हैं, दोनों होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला हमारा हो गया कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 होंगे या फिर दोनों होगा। ऐसे आपको तो पता है जो शांत है, मतलब कि सिर्फ दो हो सकता है या फिर सिर्फ 5 हो सकता है या फिर 2 और 5 दोनों हो सकता है। क्लियर है, मतलब ये वाला शांत आवृत्ति का हो, इसलिए यह परिमेय संख्या। क्लियर हो गया, चलिए 2 नंबर को देखिए।
समझ में आया ना? ठीक है, तो देखा दो नंबर कभी भी आप नहीं भूल सकेंगे मेरे वीडियो को, बस जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, 0.12012001 फिर 1 2 फिर 3 गो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 4 गो 0 है। ठीक है, मतलब डॉट 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 चलते रह रहा है, मतलब पहले यहाँ पर 1 2 1 गो 0, फिर 1 2 2 गो 0, फिर 1 2 3 गो 0, 4 गो 0, 5 गो 0। ठीक है, समझ में आ रहा है, चल रहा है। मतलब ये क्या है, अनवसानी अनावृत्ति है। तो अनवसानी अनावृत्ति जो होता है वह परिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है। क्लियर, यहाँ पर परिमेय संख्या मतलब नहीं होता है, मतलब इसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक तो क्लियर है, अपरिमेय संख्या है तो यहां पर क्यू के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं होगा। क्लियर है, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बोलाएगा ना, जो पी बाई क्यू के रूप में है उसी का क्यू के बारे में अभाज्य गुणनफल के बारे में कुछ कहना है तो नहीं है, तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तीन नंबर देखिए, तीन नंबर में कितना है, 43.12345678 9 ये वाला है, और इनके ऊपर में 12 है, मतलब यही वाला संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। फिर यहाँ से 1 से लेकर 9 तक हुआ, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, ऐसा करके आते रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला क्या है, आपको मैंने बता दिया था, ये वाला क्या है, ये वाला अनवसानी आवृत्ति का है। ठीक है, मतलब यही वाला संख्या रिपीट हो रहा है, मतलब अनवसानी आवृत्ति जो होता है उसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में ले सकते हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर वो वाला वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, क्लास 10th। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मतलब ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलिए इसके अभाज्य गुणनफल के बारे में कहते हैं, तो क्यू के अभाज्य। अच्छा देखिए, ये वाला क्या है, अशांत है ना, अनवसानी आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है। तो अशांत आवृत्ति का होगा, मतलब इसमें 2 और 5 हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, या फिर 2 और 5 हो भी सकता है और उसमें दूसरा संख्या भी हो सकता है, तब ना ये अशांत होगा। चलिए क्लियर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। ठीक है, मतलब कि कोई और भी गुणनखंड होगा, अतिरिक्त कोई और गुणनखंड होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो इसी प्रकार से मैंने आपको जो प्रश्नावली है, मैंने आपको सभी प्रश्न बहुत ही विस्तृत तरीका से मैंने बताया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, यदि यदि आपको फिर से यदि लिखना है तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर वहाँ पॉज कर करके अपने सुंदर से एक नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जितने भी जो है वो आपको PDF इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबसे फर्स्ट में जो PDF जो लिंक जो होगा वहाँ लिखा होगा। ठीक है ना, तो वहाँ से आप लोग इसके जो PDF फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे अपने कॉपी में सुंदर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत